नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक शरीर होता है और दूसरी आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग पार्ट हैं, परंतु होते हुए भी अलग, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जैसे कि मोबाइल अलग होता है और उसका सिम कार्ड बिल्कुल अलग होता है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली सिम भी किसी काम की नहीं है और अकेला मोबाइल भी किसी काम का नहीं है। शरीर हमारा मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा हमारी सिम कार्ड की तरह है। हम सभी का शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जब व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर को उठाकर लोग शमशान की ओर ले जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मरे हुए शरीर में क्या है और क्या नहीं? शरीर तो तब भी है जब व्यक्ति मर जाता है, लेकिन आत्मा तब नहीं है जब व्यक्ति मर जाता है। मरने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या निकलती है? आत्मा। और आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? आप लोग आत्मा को महसूस किस प्रकार करते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत कठिन है। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हमेशा की तरह अपना प्यार हमें जरूर दें। अगर आप इस प्रश्न को 1000 लोगों से भी पूछेंगे ना, तो लगभग 2-4 लोग ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सभी लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आप सोच रहे होंगे कि आत्मा का स्वरूप तो परमात्मा है, लेकिन वह परमात्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? वह हमारे शरीर में कहाँ वास करता है? ऑक्सीजन, प्राण वायु जो हम लेते हैं, सांस। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सांस ही तो रुक जाती है। मरने वाले व्यक्ति का रक्त धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है, उसकी लालिमा धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। क्यों होता है? अरे, हमारा शरीर तो पूरा ऑक्सीजन से चल रहा है। हमारे शरीर के जिस अंग में ऑक्सीजन पहुंच रही है वो अंग स्वस्थ है, जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, देखिए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे शरीर में रक्त का संचार रुक जाएगा। अगर ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंचती है, हमारा जो हृदय पंपिंग करता है, अगर उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वह अपना काम करना बंद कर देता है। अगर 1 सेकंड के लिए हृदय काम करना बंद कर देता है तो आदमी धड़ाम से गिरता है नीचे। बड़ी गहराई में जाने से हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में वास करती है। सांस के रूप में, जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। एक आपको जरूरी सलाह दें कि आप हर रोज गहरी सांस लें, भर के। क्या होगा? शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भस्त्रिका नाम का प्राणायाम जो व्यक्ति नियमित रूप से करता है, उसे कभी भी लकवे की पैरालिसिस की समस्या नहीं होगी। इसलिए खासकर बूढ़े लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो केवल शरीर बचता है, तो लोग उसे अर्थी पर उठाकर शमशान में ले जाते हैं और उसे वहां जलाकर भस्म कर देते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर जलता है और जलकर क्या होता है हमारे शरीर का? शरीर जलकर केवल राख नहीं होता है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे हिंदू यानी सनातन धर्म में जलाया ही क्यों जाता है? अभी आप लोगों ने कोरोना काल में सुना होगा और शायद आप लोगों ने यह न्यूज देखी भी होगी। महाराष्ट्र की सरकार ने यह घोषणा की थी, कोरोना काल में जो व्यक्ति कोरोना से मरेगा उसका अंतिम संस्कार करना ही, अर्थात उसे जलाना ही आवश्यक है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। टीवी पर यह न्यूज काफी दिनों तक आई थी। ऐसा सरकार ने क्यों अनिवार्य किया था? चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या फिर हिंदू हो, सबको जलाना।
क्योंकि मुस्लिम धर्म में जलाना उचित नहीं समझते हैं। हम आपको बता दें कि मनुष्य के मृत शरीर को इसलिए जलाया जाता है ताकि उसके अंदर जितने बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि हों, वो जल करके भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। जमीन के अंदर गाड़ देने से यदि धीरे से किसी जानवर ने खोद लिया तो जानवर के ऐसा करने पर यह बीमारी समाज में फैल सकती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार थे, वे किसी भी बात का रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वो जलाने की परंपरा अपनाए कि भाई आदमी मरे तो सीधा उसे जलाओ, उसकी कोई टेंशन ही नहीं रहती है। जलाने से क्या होता है, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। जलाने से 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं। कैसे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब सबको जला देते हैं, पृथ्वी तत्व जाकर पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि तत्व जाकर सीधा अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व वाष्प बनकर जल में मिल जाता है और आकाश जाकर आकाश में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी का बना होता है और टूटता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है। ये हमारा और तुम्हारा नहीं है शरीर, ये शरीर प्रकृति ने प्रदान किया है हमें अच्छे कामों को करने के लिए, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और जलाने के बाद 5 तत्व आपस में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, ये ज्ञान था शरीर का। अब बची आत्मा। आत्मा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। आत्मा एक चेतना है, विज्ञान कहता है एनर्जी है। जब आदमी मरता है तो आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा परमात्मा से निकलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परमात्मा से कैसे निकलती है। एक भाई ने हमसे कहा कि भाई आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, ये सब गीता में लिखा है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, ये भी गीता में लिखा है। जब जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या कुल 40-45 करोड़ थी और आज 135 करोड़ हो गई, तो इतनी आत्माएं आ कहां से रही हैं? जब आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, तो फिर पहले भारत की आबादी कुल 40-45 करोड़ थी, अब 135 करोड़ है, ये आत्मा कहां से आ रही हैं? अरे भाई, ये बहुत आसान है। देखिए, आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है, पर एक चीज संभव है, वो क्या है? जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ठीक आपकी तरह एक व्यक्ति और दिखने लग जाता है। आपके सामने 50 दर्पण रखे जाएं तो आप हर दर्पण में दिखेंगे, ठीक वैसे ही आपके सामने 1000 दर्पण रखेंगे तब भी आप 1000 दिखेंगे। क्या आप 1000 हैं? आप 1000 नहीं हैं, लेकिन दर्पण 1000 होने से आपके प्रतिबिंब 1000 हैं। बिंब तो आप है और जो दर्पण में आपका चित्र दिख रहा है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। 1000 दर्पण होंगे तो आप 1000 हो जाएंगे, वो आपके प्रतिबिंब है। ठीक उसी प्रकार हम जितने भी मनुष्य हैं, उतनी ही आत्माएं हैं। परमात्मा तो एक ही है, पर वह परमात्मा का प्रतिबिंब हर मनुष्य के शरीर में जाकर देखने लगता है, तो आत्माएं इतनी हो जाती हैं। आप दर्पण को अपने सामने से हटा दो तो वह प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? आदमी मरा तो आत्मा कहाँ चली गई? जैसे दर्पण में आप दिखते हैं और आप दर्पण को अपने सामने से हटा देते हैं, तो फिर आपका दूसरा चित्र कहाँ चला जाता है? प्रतिबिंब जाकर बिंब में मिल जाता है। उसी प्रकार आत्मा निकलकर परमात्मा में जाकर मिल जाती है। परमात्मा एक ही है और जितने यहाँ शरीर होते हैं उतने ही परमात्मा के प्रतिबिंब नजर आते हैं। हम भगवान के क्या हैं? जैसे हमारा अंश दर्पण में नजर आता है, वो हमारा ही तो होता है, वो किसी दूसरे का तो नहीं है। जैसे दर्पण में हमारा अंश नजर आता है, उसी तरह हमारे शरीर में परमात्मा का अंश ही नजर आता है, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।